वैसे तो ये नागिन को ना डसने की सलाह देने वाली बात है, लेकिन तुम्हें मेरी सलाह मानकर अपनी बहन को समझाना होगा। बोलो, करोगी ना ऐसा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ज्योति को सब समझा दूंगी। क्या वो ऐसा कुछ नहीं करे जिससे देवता समान सास ससुर को तकलीफ हो, उसका पति परमेश्वर उसे त्याग दे। मेरा विश्वास करो, मैं उसे सब समझाती हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम अपनी बातों पर कितना अमल करती हो। अगर तुमने उल्टे पासे को सीधा नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वैसे तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने वाली ये चाबुक मैं संभाल कर रख रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो तुम इसकी मार से नहीं बच पाओगी। माला, तुम प्लीज मुझे अभी शादी करने के लिए मजबूर मत करो। कुछ दिनों के लिए सब कुछ भूल जाओ। अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है माला कि हम इन झमेलों में पड़े। कौशल, जिस तरह से तुम काम कर रहे हो और जो तुम मुझसे करवा रहे हो, इस तरह से तो हमारी मुसीबतें और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। कायल का केस तो तुम पर चल ही रहा है, और जिस तरह से तुमने अपने मालिकों को बर्बाद करने के बाद मुझसे शादी करने का जो फैसला किया है, इस तरह से तो पूरी उम्र बीत जाएगी, पर हमारी शादी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है माला, ऐसा कुछ नहीं है। ये कायल का केस तो समझे वाली बात है, पर हाँ, रजत और शुभम को बर्बाद किए बगैर मैं तुमसे अपने गले में वरमाला नहीं डलवा सकता हूँ, चाहे जिंदगी भर इंतजार करना पड़े। पर अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इंतजार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा माला, क्योंकि प्यार करने का असली मजा तो इंतजार करने में ही है ना। शादी की बात जिस तरह से तुम टालते आ रहे हो, उस तरह से तो मुझे कभी कभी तुम पे शक होने लगता है कि तुम शादी नहीं करूंगा तुमसे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है माला, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, मेरा ख्याल नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माला, और मैं तुम्ही से शादी करूंगा, ये तुमसे मेरा वादा। तो कौशल ने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। एक ही झटके में माला के प्यार की माला निकालकर गले से फेंक दी। मैं तो शुरू से ही जानता था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि प्यार का नाटक रचा रहा है। वो खेल जो वो खेल रहा है, उसका तुमको एक मोहरा बना रखा है उसने। मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि टेंडर पास करवाने का जितना रुपया वो अपने मालिकों से लेता था, उसका काफी हिस्सा वो अपने पास रख लेता था। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? मिस माला, कौशल एक सुलझा हुआ शातिर खिलाड़ी है, जो अच्छी तरह से जानता है कि शतरंज के बिसात पर कौन सा मोहरा कहां फिट करके बाजी जीतनी चाहिए। एक नमक हराम होने के बावजूद वो अपने मालिकों की नजरों में वफादार बना रहा, तुमसे शादी करने का वादा करके तुमको मेरे पास भेजता रहा। ये तो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है उसके लिए, जो तुम पाक दामन बनी रही। मुझे फख्र है तुम पर, लेकिन उस कमीने कुत्ते कौशल से सख्त नफरत है मुझे। पर सर, मैं उसे किसी भी कीमत में पा लेना चाहती हूँ। इसके बारे में इतना कुछ जाने के बावजूद तुम इतनी जिद कर रही हो? ये मेरी जिद ही नहीं, मेरी कसम भी है। ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो, तुम उस शुभम को अपने प्यार के जाल में फांसो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ओफो, मेरा मतलब ये है कि तुम प्यार का नाटक करो, उसमें तुम्हारा फायदा तो होगा ही, मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। देखो माला, आदमी कितना ही कमीना क्यों ना हो, औरतों के मामले में बड़ा पजेसिव होता है। जब वो अपनी महबूबा को किसी और की बाहों में देखता है तो जल भून करके राख हो जाता है। और फिर शुभम तो कौशल का बॉस है ही, जब वो ये देखेगा कि उसकी माला की बाहें शुभम के गले का हार बन चुकी हैं, तो क्या गुजरेगी उस पर? वो इस बात से भी डरेगा कि कहीं तुम उसकी सारी खुराफातें शुभम को ना बता दो। फिर वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा, तुमसे फिर से प्यार करने लगेगा। पर इससे आपको क्या फायदा होगा? मुझे सिर्फ इतना फायदा होगा कि मुझे नया टेंडर पास करवाने का पूरा मुआवजा तुम्हारे जरिए मिलेगा। तुम कौशल की तरह उसमें से अपना कमीशन नहीं काटोगी, क्योंकि तुम्हारा मकसद रुपया पाना नहीं, कौशल को पाना है। समझी मिस माला? हाँ।
मैं समझता हूँ शुभम, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि बड़े पापा ने कितनी बेबसी में फैसला लिया होगा कि तुम्हें मजबूरन ज्योति के साथ घर से बाहर जाने को कहे। और आप क्या समझते हैं, पापा के मजबूर करने से मैं मजबूर हो जाऊंगा? मां के दूध का कर्ज मैं मां को जहर देकर चुकाऊंगा? नहीं भैया नहीं, मैं ज्योति का गला दबा दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं शुभम, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। पापा ने एक रास्ता निकाला है, एक तरीका जो शायद हमारे घरों की परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। हाँ, मैं भी जरा सब्र से उसके तेवर देख रहा हूं। शुभम जी, पुलिस स्टेशन गए थे कल? हाँ भैया, वो इंस्पेक्टर तो मिला था, पर उसने कहा कि हमारे यहाँ जो चोरी हुई थी उसके लिए उसे अभी कोई क्लू नहीं मिला। हाँ, क्लू मिलेगा भी कैसे? चौधरी एंड चौधरी एसोसिएट्स। हाँ फ्रांसिस साहब, नहीं नहीं भूला कैसे, आ रहा हूँ, मिल रहा हूँ 8 बजे, सेम प्लेस। ओके भैया, फ्रांसिस का फोन था। हाँ सुन रहा था, तुम फिर मिलने जा रहे हो उससे? हाँ भैया, वो जिस टेंडर की बात उसने की थी उसे भरने में कुछ 10-12 दिन रह गए। शुभम मैंने तुमसे कहा था ना कि वो टेंडर हम नहीं भरना चाहते। पर भैया इसमें हर्जी क्या है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की तो बात है। लेकिन शुभम, भैया मैं ये नहीं जानता कि आप ये टेंडर क्यों नहीं भरना चाहते, पर मैं ये टेंडर भरना चाहता हूं। शुभम, दौलत कमाना अच्छी बात है, लेकिन दौलत के पीछे इस तरह पागलों की तरह भागना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुम जैसा मुनासिब समझो वैसा ही करो, जो तुम्हारी मर्जी में। आज नहीं, उस दिन पी ली थी तो तबीयत खराब हो गई थी। अरे भाई, पहली बार इसको पीने से थोड़ी सी तबीयत जरूर खराब होती है, और बाद में इसके ना पीने से तबीयत ठीक ही नहीं होती। माला बना दो इनके लिए एक ग्लास प्लीज। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं पीना चाहते तो हम अकेले अपना साथ दिए लेते। चीयर्स। हाँ तो क्या सोचा उस टेंडर के बारे में आप लोगों ने? देखिए फ्रांसिस साहब, मेरे भैया ये टेंडर भरना नहीं चाहते। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा भाई रजत ये नहीं चाहता है कि तुम ये टेंडर चौधरी एंड चौधरी एसोसिएट्स के नाम से भरो, तो तुम अकेले अपनी एक नई फर्म शुरू करके क्यों नहीं ये टेंडर भर लेते? दिस नॉट पॉसिबल सर, ये कैसे हो सकता है? जब ये काम मैंने और भैया ने साथ में मिलकर शुरू किया है तो मैं अकेले ये? अरे तो आखिर अकेले काम करना कोई जुर्म थोड़ा ही है, हा? भाई ये तो सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने शॉर्ट टाइम में करोड़ों का फायदा करने वाला ये टेंडर अगर तुम अकेले भरो तो। शुभम, वैसे भी अब वक्त आ गया है जब तुमको हर काम अपनी मर्जी से अपनी समझ से करना चाहिए, समझे? सर इज एब्सोल्युटली राइट शुभम। लाओ, फ्रांसिस हियर। हाय फ्रैंकी, हाउ द हेल आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, एब्सोल्युटली फाइन। ओह नो, इट्स नॉट पॉसिबल, आई गॉट सम गेस्ट्स हियर। It's so important. Okay. Oh, look, I'll do my best. हाँ मैं कोशिश करता हूँ. Okay. Bye. शुभम, मुझे किसी जरूरी काम से एक 10 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ रहा है. मैं तुम कहीं जाना मत प्लीज. तुम बैठो यहाँ, मैं अभी आया. माला प्लीज लुक आफ्टर हिम. Okay. See you. अब साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि ये चोरी मैंने की है? यकीनन
यकीनन शुभम तुम ही ने की है। डॉक्टर ने मुझे यही सलाह दी है कि अगर मैं जल्दी ही अच्छी होना चाहती हूँ तो आपके बेटे यानी अपने पति शुभम को लेकर आप लोगों से अलग हो जाऊं। क्या हो शुभम, इतने परेशान क्यों हो? माला हाँ, एक पैक बनाओ माला। माला प्लीज। ऑफ कोर्स कम। समझते हो ना भैया, अब मैं तुम्हें बताऊंगा चोरी क्या होती है। ये टेंडर अकेले भरकर, और ज्योति तू मुझे मेरे मम्मी पापा से अलग कर देगी। आज देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। गम की छेड़े सितार संसार संसार ये संसार ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से, कभी तो सच होते हैं सच में कभी